ઓફ વડોદરા ડભોઈ રામટેકરી પાસે આવેલા રામજી મંદિરેથી રામનવમીના પાવન પર્વને લઈને વડોદરા નવનાથ કાવડ યાત્રાના પ્રણેતા શ્રી વિજયજી મહારાજની ખાસ ઉપસ્થિતિમાં શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી। રામનવમીના પ્રસંગે ડભોઈ રામટેકરી પાસે આવેલા રામજી મંદિર ખાતેથી નવનાથ કાવડ યાત્રાના પ્રણેતા હરિહર આશ્રમના મહંત પરમ પૂજ્ય વિજય મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જે શોભાયાત્રા ડભોઈ નગરના ટાવર વકીલ બંગલા હીરાભાગોળ કડિયાવાડ રબારી વગા થઈ કંસારા બજારથી છીપવાડ થઈ રામટેકરી રામજી મંદિરે પહોંચી હતી। ये त्रेता युग में भगवान का जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष में चैती नवरात्र के नवमी के दिवस हुआ था। और भगवान का जन्म होते ही भगवान ने चतुर्भुज रूप में पैदा हुए थे। इसलिए उनकी माँ उनके तरफ से मुँह फेर करके कहा कि तो भगवान ने कहा माता ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा हम बालक के रूप में आपको स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए आप बालक रूप में आओ। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप त्याग करके दो भुजवार वाला हुए मनुष्य के रूप में। इसलिए आज का जो दिवस है ये नवमी का दिवस है जो भगवान लालित है मनुष्य के रूप में आने के लिए। तो भगवान हम तो ये कहते हैं कि हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि भगवान की लीला को देखकर अपने चरित्र को भी देखना चाहिए, किसी कष्ट को स्वीकार करना चाहिए, किसी दुख को भी सहज के स्वीकार करे। इसलिए संसार में सबको सुख मिलेगा, क्योंकि राम का नाम एक ऐसा नाम है कि नारद भगवान ने लास्ट में उनसे आकर के कहा कि भगवान जितना जन्म हुआ जितना जन्म हुआ उसमें सबसे श्रेष्ठ राम का नाम हुआ। इसलिए लोग जीते भी राम का नाम लेते हैं और मरने के बाद राम राम सत्य करते हैं। इसमें हमारे सब जितने कार्यकर्ता हैं ये आशीष हैं, क्या नाम है, मितेश भाई हैं, अमित भाई यहाँ पे खड़े हैं और बहुत लोग खड़े हैं, पर ये लोग ज़्यादा अधिकतर मतलब इसमें सहयोग दिए हैं। इसलिए इन लोगों का भी हम आभारी हैं और संसार के लिए भी हम ये प्रार्थना करें कि सब राम का जन्म का उत्सव मनावें। इसमें सबको फायदा और लाभ होगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा।